अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यार यूट्यूब की फैमिली, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पहले तो तहे दिल से आप लोगों के लिए दुआएं करती हूँ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और कोई गम परेशानी आप तक ना आए, आमीन सुमा आमीन। तो आप लोग भी आमीन कह दीजिएगा। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह नए दिन का आगाज़ हो गया है और जी किचन में जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या हो रहा है। मैंने कहा चलें भाई सुबह से ही अपनी ये वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो नाश्ता बन रहा है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बना रही हैं पराठा, ये अपने नहीं पराठा बनाती है। सारा नाश्ता तो पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया था, कह रही मैं पराठा ही खाती हूँ और जो मेरे हस्बैंड है वो भी पराठा खाते, नान बिल्कुल नहीं। ये मेरा बेचारा नान पड़ा है, ये मैं इनको देती हूँ कि ये भी ना फ्राई कर ले। गैस आ गई सही? थोड़ी थोड़ी। और ये गैस तो बहुत ज़्यादा स्लो है, देखें हमारी गैस का कितना मसला है। इतनी कोई स्लो है आपको नज़र भी नहीं आ रही होगी। तो बस ये चने भी यहाँ से उठाती हूँ और उधर रखती हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह चने हैं। बस जल्दी जल्दी नाश्ता करते हैं और उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि आज मेरा जो काम है बहुत ज़्यादा लंबा है, मुझे समझ नहीं आ रही क्या होगा। ये देखें, ये मैंने निकाले हैं सर्दियों की, ये ब्लैंकेट निकाला है, नीचे कंबल है सुसर के, उनको भी धोना है। और यहाँ दो तो मैंने रात को भिगो के रख दिए थे, ये देखें जी ये है जी, रात को ये मैंने भिगो के रख दिए दो कंबल। बस अभी ये मैं नाश्ते से फारिग होंगी, दूसरा मेरा काम यही होगा कंबल धोने का। आज ये दो कंबल धोंगी और उसके बाद फिर जो ये ब्लैंकेट और जो मेरे तायाबू के जो ब्लैंकेट है फिर उनका नंबर आएगा, ठीक है? तो बस ये काम करते हैं और नाश्ता करते हैं। हाँ जी भाभी, क्या बन रहा है आज? आप गैस करो क्या बन रहा है, आपकी पसंद की चीज़ बन रही है जो आप शौक से खाती हो? मेरी तो बहुत सारी पसंद है। हाँ, उनमें से कौन सी बन रही है दिखाओ। ये देखो जी। अच्छा, और थोड़ी सी ना लाइट भी ऑन कर देते हैं क्योंकि कैमरे गोश्त खुशबू अच्छी आ रही है। ये हमने हरी मिर्चें डाल दी हैं। आज ये आपकी पसंद की बनाई है और अबिया की, वो कहती ना कि मुझे कोरमा खाना है, गोश्त का कोरमा। तो मैंने कहा चले जी आज ना अपने, वैसे तो मैं डेली इनसे पूछ के बनाती हूँ कि मैंने अच्छा। क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। तो बस ये मैंने हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दी है और बस मैं धनिया बारीक बारीक काट के ना थोड़ा सा डालूं क्योंकि बच्चे पसंद नहीं करते। कितना प्यारा देखे धनिया, कितना खूबसूरत धनिया। हम लोगों को तो अच्छा लगता है, बच्चों को नहीं अच्छा लगता। तो फिर इस वजह से सैफुल्ला का भी मसला है, अबिया का भी है, ये थोड़ा सा ही डालना। मैं क्या बस खुशबू के लिए ना थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। तो ये कि बस खाना भी माशाल्लाह से जल्दी जल्दी रेडी हो गया। नाश्ता हमने दोनों ने कर लिया था। नाश्ता जब हम करते ना दोनों, तो हम जरा आधा घंटा गपशप लगाते हैं। जैसे ही वो अपना नाश्ता करती हूँ मैं किचन में आ जाती हूँ, बस खाना भी मैंने रेडी किया और साथ साथ मैं कंबल भी धो रही हूँ। हाँ सही है। हाँ सर्दियों की भी तैयारी है। हाँ सर्दियों की भी तैयारी है, बस कंबल भी धुल गए माशाल्लाह से। बस दो कंबल ना टायबू के रह गए और बस वो अब आज धोंगी, दो अपने धुल गए, वो सूखेंगे तो वो डाल के आऊंगी ऊपर छत पे जाके डाल के आऊंगी। अच्छा, बल्कि मैं आपको दिखा दूँ साथ में। हाँ धुल गए सही है। ये देखें ये दो ये धो दिए और वो दो अभी उसमें डालूंगी। सही, ये है कंबल आज की जो थे ना कंबल का था। लेकिन वीडियो आज बहुत ही मजे की और बहुत ही अच्छी होने वाली है, इसलिए क्योंकि आपने चैनल करना है सब्सक्राइब लाइक शेयर, क्योंकि अभी जो आपने थंबनेल देखा है तो वो भी आपको हमने आप लोगों से शेयर करना है। तो बल्कि पहले सारे काम ना खाना पकाना नाश्ता कंबल ये कर ले, फिर एंड में आपको दिखाएंगे, ठीक है जी। मिले बेते जाले पन्ने और सिपारा भी दिल से लगाया हुआ सीने से, कितने समझदार है। और चलो बैग उठा लिए, चलो शाबाश, सलाम करो दोनों भाई। वालेकुम अस्सलाम। चलो बाबा छोड़ने जा रहे हैं दोनों को, समीउल्लाह और सैफुल्लाह ट्यूशन जा रहे हैं। ये देखें जी सर्दियों के कपड़े जो मैंने निकाले हैं, लाइट ऑन करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, इस कमरे में सारा मैंने वो सामान रखा होता है जो कि रफ़ होता है और अलमारियाँ रखी हुई हैं। तो बस ये मैंने कपड़े अभी निकाल दिए हैं, अब इनकी जगह बनानी है। तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाते हैं कि ये देखें जी कपड़े निकले पड़े हैं, अब इसको आज ही करके ना सेटिंग करके लगाऊंगी अलमारियों में। तो जी माशाल्लाह खाना भी पका लिया है, बच्चों ने खाना भी खा लिया और वो देखिए कंबल धो भी दिए। बस अभी हस्बैंड आ गए, उनसे मैंने कहा मेरे साथ ऊपर छत पे चलें तो डाल के आते हैं। और तायाबू के भी मैंने अभी भिगो के रख दिए सर्फ डाल के, और दिल को सुकून मिल गया है कि भाई जो सर्दियों का काम है ना कम्बल का ये तो हो गया है। अब जाते हैं जी कमरे में। ये ब्लर जी भाई क्या हो रहा है? वाह भाई ज़बरदस्त, अपनी चीज़ें निकाल रही थी। अच्छा चीज़ें सेट हो रही हैं। हाँ आपको तो वैसे भी मेकअप का शौक है और सेल्फ ग्रूमिंग का भी आपने माशाल्लाह से काम, मैंने सेल्फ ग्रूमिंग किया हुआ है। हाँ माशाल्लाह, इन्होंने मैंने आपको बताना मैं भूल गई थी, और सिलाई भी जानती है तो प्यारे प्यारे कपड़े भी सीती हैं। और ये देखें जी दिखाएं सही, वाह जबरदस्त, जो आम सबके पास होती हैं। हाँ जी कुछ चीज़ें अभी मैंने नई ली हैं तो अभी तक ज़्यादा यूज़ ही नहीं की हैं। अच्छा
क्या क्या लिया नया वो दिखाएं। ये देखो ये प्राइमर लिया मैंने। अच्छा वाह भाई जबरदस्त। और ये काशी कराची हाँ, हाँ, में जो मशहूर है उनकी ये स्टिक ली है। अच्छा स्टिक है वाह ये लिक्विड में। हाँ लिक्विड में। अभी सर्दियाँ आ गई है ना विंटर में तो आराम से ये बस दो ड्रॉप निकाले। ये क्या है? ये काशी का लाइनर है। अच्छा ये लाइनर है इतनी प्यारी पैकिंग है। ये तो बड़ा अच्छा लगता होगा। बहुत अच्छा है ये एक दो दफा अभी यूज किया भी मैंने ज्यादा किया नहीं था तो यहाँ पे आ गए हम लोग। हाँ ये अभी अभी कुछ अर्से पहले आपने लिया ना। होते नहीं है ना कराची में। हाँ वानी सारे तो रिश्तेदार आपके मुल्तान में। हाँ आई शेड ये उसमें है ना शिमर में है ना। बिल्कुल लाइट है ये। अच्छा बिल्कुल लाइट है। और ये है मेरा ब्लश ऑन ये लिक्विड में है। अच्छा ये लिक्विड में है। ये सर्दी आएगी ना तो उसमें ये 3-in-1 लग रहा है मुझे है ना। ये लिपस्टिक भी लगा लो आंखों में भी लगा लो ये फेस पाउडर फाउंडेशन भी है कंटोरिंग भी कर लो। चले मुझे अब आसानी होगी शादी आ रही है ना कर करके जाएंगे। ये क्रिस्टीन का मैंने वो लिया कंटोरिंग। अच्छा चले मेरे व्यूअर्स भी देख। अच्छा ये वो है मैं कंटोरिंग का है। सही सही। और कितने ज़्यादा ब्रशेज हैं कितने खूबसूरत। और ये क्या लाइनर है? ये मस्कारा लाइनर। लाइनर मस्कारा लिप ग्लॉस। अच्छा ब्लू जबरदस्त। ये हाइलाइटर है। ये हाइलाइटर है ये भी 3-in-1 ही है ना। हाँ, नहीं ये हाइलाइटर ही यूज होता है। जैसे ये नहीं लगा सकते ये जैसे हम चिक्स पे देखो चिक्स पे आईज पे कंटोरिंग। हाँ लगा सकते हैं। काफ़ी सारी कलेक्शन है भाई मेकअप की में जबरदस्त। हाँ ये भी सारे मतलब आजकल तो जितनी भी किट्स हैं 3-in-1 ही आ रही है। ये तो अभी बिल्कुल यूज ही नहीं की। ये यूज ही नहीं की बिल्कुल भी नहीं। कितने ज्यादा और कितने ब्राइट मतलब हाँ। एक ही दफा लगाने में ना आईज जैसे ब्राइट हो जाती है उठ जाती होगी जैसे प्रोमिनेंट होती है। बहुत ही खूबसूरत हैं। वाह बड़े जबरदस्त और ब्राइट शेड हैं। लाइट भी हैं ब्राइट भी हैं जो भी आप यूज कर लो सही। अच्छा फिर ये भी फायदा है ना कि आपने जो काम पार्लर का सीखा हुआ है तो इससे मुझे इतना फायदा होगा कि मैं कहीं भी अभी शादी जो आ रही है हमारी है ना हमारी शादी आ रही है नवंबर के स्टार्ट में तो मैं अपनी नन से सारा मेकअप कराऊंगी। लेकिन अभी कुछ दिनों में ना आपने कमेंट्स करना है कि इनसे मैं कंप्लीट एक अपना मेकअप करवाऊं और ये मेरा मेकअप करेंगी एक वीडियो मैसेज भी बनाएंगे ठीक है। एक दफ़ा मैं आपका मेकअप करूं एक दफ़ा आप मेरा मेकअप करें तो इस तरह की एक वीडियो। अच्छा ये क्या है? इतने खूबसूरत हैं ज़बरदस्त इतनी प्यारी शाइन है। ये आईज पे लगा लो जल्दी से ना जैसे ब्राइट कोई अच्छा सूट है शेड लगाओ उसके ऊपर ये हल्का से लगा लो ये तो अच्छा। ये जैसे प्रोमिनेंट हो जाती है ना आँख उठ जाती है जैसे लगे पार्लर से मेकअप किया है। लेकिन ये है कि माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मेकअप है और बहुत ही प्यारा मेकअप है कम मतलब टाइम लगे और जल्दी से तैयार हो जाए। और ये वाला सेटिंग स्प्रे है। अच्छा जो लास्ट में करते हैं ना ये भी काशी से लिया। अच्छा जैसे पूरा मेकअप कर लिया ऊपर से स्प्रे कर लिया। सही है आंधी हो तूफान हो मेकअप कहीं नहीं गर्मी हो कुछ हो मेकअप कहीं नहीं जाएगा पैसे वसूल हो जाएंगे। तो बस व्यूअर्स ये देखें जी माशाल्लाह मैंने कहा चलें आज अपनी नन की जो मेकअप इनके पास जितना भी है ना वो आप लोग साथ शेयर करते हैं। और ये कि मेकअप भी ये करना जानती हैं सिलाई भी जानती हैं तो माशाल्लाह बहुत ही हुनरमंद हैं। वक्त पे ये कि काम आ जाता है ना कभी हालात कैसे हैं कभी कैसे हैं तो आना चाहिए लड़कियों को मैं तो कहती हूँ इतना तो आना ही चाहिए ताकि अल्लाह ना करे हालात का कुछ नहीं पता। ख़ास तौर पर लड़कियाँ जब घर की प्राय घर की हो जाती हैं ना तो ये चीज़ें माँ बाप को सिखानी चाहिए या फिर शादी के बाद वो सीख लें जो उनको इजी लगे। तो बस ये आपने सीखा हुआ है तो चलो अल्लाह आपको अगर आप चाहें तो कामयाब भी कर सकता है क्योंकि अगर आप चाहें किसी को तैयार करना घर जैसे आस पड़ोस में मैं भी अपनी सहेलियों को बोल दूँगी और आपकी भी यहाँ फ्रेंड्स हैं काफ़ी सारी तो उनको भी आप बोल देना भाई अभी पार्टी मेकअप है जो भी है पार्टी मेकअप आप कर सकती हो ना तो ब्राइडल तो मेकअप नहीं अभी आता तो बस ये भी। और कपड़े भी मैंने इनसे कहा है कि मैं एक दो सूट लेकर आऊँगी तो चलें आप सी लिएगा। और बस ये है कि आप चीज़ें आप लोगों से शेयर करनी तो आप बताइएगा मेकअप कि कैसा इनका मेकअप है। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है चलें इतना माशाल्लाह ये ना अब इसमें इन्होंने पैक करके डाला हुआ था और कितने खूबसूरत ये बॉक्सेज हैं ऐसे जिसमें मेकअप सेफ रहता है कि हाँ टूटती नहीं है जिप ऐसे देखें ये खुलती है हाँ ऐसे इन्होंने ना ऐसे सेट की हुई थी और बिल्कुल फिक्स थी ना फिक्स इस तरह जिप बन की और बैग में कहीं भी आप जाएँ कहीं शादी या दूसरी सिटी में
तो बस मैं मेकअप सेट कर लिया और डाल दिया और ले गए। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा आपके पास जो मेकअप है आज दिखाइएगा ताकि हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें, और एक दिन ऐसा भी निकालेंगे कि एक दूसरे का मेकअप करेंगे, आप बताइएगा किसको अच्छा मेकअप आता है। वैसे तो इनको ही आता है अच्छा मेकअप, मैं तो बोंगिया ही मारूँगी। चले, और ये है कि कहती हूँ कि आज का जो व्लॉग था, मतलब एक कुकिंग और जो सुबह का नाश्ता और मेकअप और जो घर गृहस्थी थी मेरी, मैंने आप लोग साथ शेयर की है। और मेरी यही कोशिश होती है कि डेली कोई ना कोई टॉपिक चेंज करके हम लेकर आएँ, क्योंकि एक जैसा टॉपिक लेकर आएँ तो फिर आप भी हो जाएंगे बोर, और फिर आप कहेंगे भाई डेली वही बात। तो मैंने कहा आज ज़रा कॉस्मेटिक को दिखाते हैं, और माशाल्लाह फिर एक दिन भी ऐसा निकालेंगे कि जिसमें ये मेकअप सारा आप लोगों से शेयर भी करेंगे करते हुए भी, ठीक है। तो बस अब इजाज़त चाहती हूँ, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें दुआओं में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।